Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar class 7 science chapter 2 nutrition in animals. In this session we will solve question number 16 to question number 27. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the question. तो आज हम चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आगे क्वेश्चन करेंगे. इससे पहले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. शुरू करते हैं क्वेश्चन 16. यू वेयर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क टू आइडेंटिफाई द ड्रिंक्स प्रोवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्लासेज. यू कुड आइडेंटिफाई ड्रिंक ए एज लाइम जूस एंड बी एज Peter Rogers. How could you do it in spite of being blindfolded? क्वेश्चन कर रहा है कि आप बिना दिखे कैसे आइडेंटिफाई ये कि ड्रिंक ए लाइम जूस है और जो ड्रिंक बी है वो पीटर गोर्जस. तो कैसे हम कर सकते हैं बिना देखे वो टेस्ट. जो टंग है हमारा उसमें डिफरेंट टेस्ट आइडेंटिफाई करने का, साल्ट है, स्वीट है, शोर है, बिटर है, ये सब. तो थ्रू टंग टेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जूस कैसा है. आंसर, द टंग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट सच एज स्पाइसी, साल्टी, स्वीट, शोर और बिटर एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स क्या है ये. द एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेचेस फ्रॉम. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक है. माउथ स्ट्रेचेस फ्रॉम माउथ एंड टू एनस. नेक्स्ट, टीथ आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स इन बिटवीन द गम्स. नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स बकल कैविटी इन एंड गेट्स कंप्लीटेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड कहाँ है, बकल कैविटी से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन. विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द फाइव स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन. रीड ईच स्टेटमेंट एंड गिव वन वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट. राइट द टर्म दैट डिस्क्राइब ईच प्रोसेस. हमें ये पांच क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उस जो फाइव स्टेप्स एनिमल न्यूट्रिशन के होते हैं उसी के अनुरूप आपको वन वर्ड प्रोसेस को बताना है. ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सॉल्युड रेसिड्यूज ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट, यहाँ पे आप वो सीरियल नंबर गड़बड़ लिख दिया है, डी और ई है. टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट इज इंजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल इज कॉल्ड, क्या होता है, अब्जॉर्प्शन. जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से वो
हो जाता है, तो थ्रू ब्लड वेसल फुल पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्प्शन थ्रू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल इन कॉलम वन विथ देयर मोड ऑफ फीडिंग लिस्टेड इन कॉलम टू। मैच करना है, एनिमल्स दिए हैं उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, स्पॉन्ज। नेक्स्ट कॉकरोच, कॉकरोच की जो मोड ऑफ फीडिंग क्या है, बाइटिंग एंड चुइंग। नेक्स्ट मस्कीटो, मस्कीटो कैसे मोड ऑफ फीडिंग है, सकिंग। नेक्स्ट इन्फांट्स, इन्फांट्स का मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, सकलिंग। इन्फांट्स में जो छोटा बच्चा है तो सकलिंग उसका मोड ऑफ फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, भोजू टुक सम ग्रेन्स ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड पहली टुक बॉइल्ड एंड च्यूड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी, बोथ ऑफ देम पोर्ड वन टू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज, व्हाट कलर चेंज वुड दे हैव ऑब्जर्व, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। दो बच्चे हैं भूजू और पहली, उन्होंने भूज ने क्या किया, सम ग्रेन्स को बॉयल किया राइस, राइस को, और एक टेस्ट ट्यूब में लिया। पहली ने बॉयल्ड और च्यूड राइस को लिया, बॉयल किया वो उसको, च्यूड राइस को टेस्ट ट्यूब में, दोनों ने आयोडीन सॉल्यूशन एक दो ड्रॉप पोर किया और क्या ऑब्जर्व किया, तो जो भूजू है उसने बॉयल्ड राइस जो लिया है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस बॉयल्ड राइस में स्टार्च होने के चलते कलर उसका ब्लू ब्लैक आ जाएगा। लेकिन जो पहली ने लिया है टेस्ट ट्यूब बी में उसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्च ची होने से सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन जब उसमें डाल देंगे तो अगर स्टार्च होगा तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, लेकिन अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो स्टार्च ड्यू टू रिलीज हो गया क्योंकि च्यूइंग करने के चलते सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो कलर चेंज नहीं हो। आंसर, आफ्टर पोरिंग आयोडीन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए इट्स कलर विल चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन बॉइल्ड राइस। इन टेस्ट ट्यूब बी कलर ऑफ आयोडीन विल नॉट चेंज बिकॉज सैलवरी एमाइलेज act as on starch during chewing, reducing it to simpler sugars. जो test tube B में है उसका color इसलिए change नहीं होगा क्योंकि जो हम जब chew करेंगे तो salivary gland से जो mileage enzyme निकलेगा उससे क्या होगा कि जो starch है वो simpler sugar में convert हो chew करने के जब, इसलिए वो iodine के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा क्योंकि स्टार्च उसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गॉट हर गॉल ब्लैडर रिमूव सर्जिकली एज सी वाज डायग्नोस्ड विथ स्टोन्स इन हर गॉल ब्लैडर, आफ्टर द सर्जरी सी फेस्ड प्रॉब्लम्स इन द डाइजेशन ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स व्हेन कंज्यूम्ड इन बल्क। Can you tell which kind of food item would they be and why? एक कोई ए है जो इसका गाल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव कर दिया क्योंकि वो उसके गाल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोस, अब गाल ब्लैडर रिमूव होने से उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है सर्टेन फूड के डाइजेशन में जब बल्क में वो खाती है, तो कौन सी फूड है और क्यों
Those food will be fats because of bile juice present in gallbladder helps in digestion of fat. Removal of gallbladder leads to difficulty in digestion of fats. Gallbladder में bile juice secretion होता है, तो जिसमें फैट, जिस फूड मटेरियल फैटी मटेरियल होगा तो वहाँ गाल ब्लैडर नहीं होने से बाइल जूस तो निकलेगा नहीं, तो वह फैट की डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए फेसिंग डाइजेशन प्रॉब्लम. तो दोज फूड्स विल बी फैट्स बिकॉज ऑफ बाइल जूस प्रेजेंट इन द गाल ब्लैडर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. Removal of gallbladder leads to difficulty in digestion of fats. Fatty food होगा, इसके चलते वो gallbladder के removal से उसके digestion में problem आए. Next question. Match the organs in column 1 with words listed in column 2. कलम वन में हमें ऑर्गन्स दिए गए हैं और कलम टू में उसके रिलेटेड हमें मैच कर क्या रेक्टम. रेक्टम क्या काम है? फीसेज. गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर का क्या है? बाइल जूस सिक्रेशन. स्टमक, म्यूकस, टंग, टेस्ट बड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, पीली. बिल्ली क्या करता है? जो स्पेस है डाइजेशन के लिए बढ़ा देता है. बहुत बिल्ली जो होती है जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो थ्रू बिल्ली ब्लड वेसल से डायरेक्ट नेटवर्किंग होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड होल बॉडी में जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ruminants such as cows and buffaloes swallow their food hurriedly and then sit restfully and chew their food. Can you reason why? जो ruminant जैसे कि गाय भैंस होते हैं वो अपने फूड को बहुत तेजी से स्वॉलो कर लेते हैं और फिर आराम से बैठ के उसको चीव करते हैं. क्योंकि वो धीरे धीरे कम पले क्या है बहुत तेजी से स्वॉलो करके और चीव करके कड के रूप में रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे स्मॉल लम्प्स आराम से बैठ के मुंह में चीव करते रहते हैं जिससे कि कंप्लीट उनका डाइजेशन होता है. रिमिनेंट सच एज काउज एंड बफेलो चीव द फूड हरडली and swallow it quickly. The swallowed and partially digested food of the ruminant is called cud. Later the cud is brought back from the stomach to the mouth in small lumps and then chewed again to digest the food completely. Next question. Bhuju and Paheli were eating their food hurriedly so that they could go out and play during the research. Suddenly, Bhuju started coughing violently. Think of the reason why he was coughing and discuss with your friends. Bhuju and Paheli जल्दी जल्दी खाना खा के जाके हम खेले, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो Bhuju है वो मतलब तेजी से खांसने लगे काफी. क्यों? क्योंकि जो हमारा सांस लेने का और खाने का जो नली एक ही, तो जब हम खाने के टाइम बहुत तेजी से खाते हैं और वो करते हैं तो क्या होता है उस नली में एयर वाले में कुछ खाने के टुकड़े चले तो जिससे कि हम खांसने लगते हैं, तो उससे क्या होता है फिर हमारी छींकने और खांसने से जो नली है वो साफ हो जाती है, इसलिए वो वायलेंटली हो. तो फ्राइनक्स
इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर. द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप व्हाइल ईटिंग एंड दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइंड पाइप. समटाइम्स व्हेन एनीवन इज ईटिंग हर्डली टॉक्स और लाफ व्हाइल ईटिंग द फ्लैप लाइक बल्ब एपिग्लोटिस क्लोजिंग द पासेज ऑफ वाइंड पाइप रिमेन ओपन. द फूड मे इंटर द वाइंड पाइप एंड कॉफिंग हेल्प टू क्लियर इट. जो फ्रेंड्स जो कॉमन पासेज हमने कहा ना कि कॉमन फूड और एयर के लिए, तो जब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसका होता है, जब हम खाते हैं तो वो वाइंड पाइप को जो ओपन होता है बंद कर देता है, लेकिन हम जब उसी में बात करते रहते हैं, हंसते रहते हैं या तेजी से खाते हैं तो कभी कदल जो खाने के कुछ टुकड़े हैं वाइंड पाइप में भी चला जाता है. तो कफिंग जो होता है वो हमें मदद करता है जिससे कि वाइंड पाइप में जो कुछ चला गया है उससे क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स लिस्टेड बिलो. क्या वर्ड दिए हुए हैं? वाटर, फ्रंट, इंटेस्टाइनल, साल्ट्स, सूडोपीडिया, बैक, बैको. क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स इज कंप्लीटेड बाय द इंटेस्टाइनल जूस. जो सारे फूड कंपोनेंट होते हैं कहाँ डाइजेशन जो होता है किसे होता है? इंटेस्टाइनल जूस. जो कहाँ सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो कंप्लीट क्यों होता है? जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है उससे जो भी पार्शली डाइजेस्टेड फूड टू बैकल कैविटी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो तो सारे वहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. जो लार्ज इंटेस्टाइन है क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. वहाँ पे क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता है और सम साल्ट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो थ्रू एनस इजेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टंग इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी एंड इज फ्री एट द फ्रंट. जो हमारा टंग है माउथ कैविटी के बैक से अटैच होता है और जो टंग का फ्रंट है वो फ्री होता है. अमीबा उसेज आउट सूडोपीडिया, जिसको फॉल्स पीट भी बोलते हैं, अराउंड द फूड एंड ट्रैप इट इन अ फूड वैक्यूम. जो अमीबा है उसका फॉल्स पीट भी बोलते हैं, सूडोपीडिया को मूवमेंट के लिए भी यूज करता है और फूड को ट्रैप करने के लिए भी यूज करता है. तो सूडोपोडिया जब उसको फूड की स्मेल लगती बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले तो वो सूडोपोडिया को बाहर करता है और फूड को ट्रैप कर लेता है वैक्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द बिलो गिवन फिगर 2.1 एज डिस्क्राइब बिलो इन 1-4 एंड गिव द नेम ऑफ इच टाइप ऑफ टीथ. हमारा ये टीथ है और इसका नेम देना है. फर्स्ट क्या, द कटिंग एंड बाइटिंग टीथ एज ए, दैट इज कॉल्ड इंसीजर, जिससे कि हमारे 32 टीथ होते हैं, 16 इच जॉ में, पीछे के जॉ में 16, ऊपर
तो जो फ्रंट के फोर टीथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। इनका क्या काम है, कटिंग और बैटिंग फूड को करता है। जैसे कि ये फोर टीथ जो है दैट इज कॉल्ड इंसीजर। द पर्सिंग एंड टियरिंग टीथ एज बी, ये क्या है, कैनिंग्स, जो इंसीजर के बाद के जो दो दांत होते हैं, जैसे कि ये भी इंसीजर के बाद के जो दो दांत होते हैं दैट इज ए कैनिंग्स। जिनका कोई चीज हम फाड़ते हैं या टुकड़े में करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, द ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टीथ एज सी, दैट इज अ प्री मोलर। सी कितने, कैनिंग्स के बाद जो चार दांत होते हैं दोनों तरफ दो दो, दैट इज कॉल्ड प्री मोलर्स, जो कि ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए यूज किए जाते हैं। द ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट एच डी, दैट इज मोलर। सिक्स, दोनों साइड में थ्री थ्री, दैट इज कॉल्ड मोलर। ये कब, जब एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे जो मोलर टीथ होते हैं वो भी ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए यूज की जाए, लेकिन ये एडल्ट एज में आता है। तो टोटल 32 टीथ में फोर टीथ जो हैं, फोर मतलब अपर और लोअर मिला के 8 टीथ, दैट इज इंसीजर। फोर टीथ कैनिन्स एंड अगेन 8 टीथ प्री मोलर्स एंड 12 टीथ आर मोलर्स। ये हमारे जो टीथ के स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, लोकेटेड नियर इट्स ऑर्गन ऑफ सिक्रीशन लीवर। द गॉल ब्लैडर रिलीज द बाइल जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड रीचेज देयर। दो बाइल जूस इज डिवॉइड ऑफ एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। द फैट्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजली बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्लोबल्स। बाइल जूस ब्रेक डाउन बिग फैट ड्रॉपलेट इंटू ए स्मॉलर ड्रॉपलेट, दीज आर देन इजली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। जो पैसेज कर रहा है, जो बाइल जूस सैक में स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, लोकेटेड नियर द लीवर। गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वेन एवर फूड रीचेज फॉर डाइजेशन। अब जो क्वेश्चन है क्या, विच ऑर्गन सीक्रेट्स द बाइल जूस, कौन सा ऑर्गन बाइल जूस सीक्रेट करता है। ऑर्गन जो है वो क्या है, लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, इट्स ऑर्गन इज लीवर। Why is the digestion of fat difficult as compared to that of other meat? क्यों फैट की डाइजेशन डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स? बिकॉज द फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्लोबल्स, बड़े साइज। हाउ डज बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, क्या By breaking down large fat droplets into a smaller droplets. Next question, where is the digestion of fat completed? The answer, the digestion of fat is completed in the small intestine. वैसे भी complete digestion कहाँ होता है, small intestine. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज बाइल जूस डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली,
क्या बाइल जूस फैट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट? नो, बिकॉज बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है कोई भी, तो देयरफॉर कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए बाइल जूस पार्शियल है. नो, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, देयरफॉर डज नॉट डाइजेस्ट फैट कम्प्लीटली. जिस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस थे यही समाप्त होते हैं. नेक्स्ट सेशन में अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और मैं फिर कहूँगा कि हम तो अपने से समझाते हैं, लेकिन जब अपने से आप इसको रीड करेंगे एक बार, और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और आपको याद. आज यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.